निमाड़ के निर्गुणी संत सिंहाजी महाराज की मंदिर परिसर में मांधाता विधायक नारायण पटेल भाजपा जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचे और संत सिंहाजी महाराज की समाधि स्थल पर शीश नवाकर आरती पूजन कर आशीर्वाद लेकर मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपचुनाव के दौरान यहां पर विकास कार्य के तहत बनने वाले 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से 3,000 फीट ध्यान केंद्र और श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन निगम की देखरेख में बनने वाले मंदिर परिसर तक पहुंचने वाले 3 शेड के लिए मां नर्मदा की आरती कर भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत रखी। भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम के दौरान विधायक पटेल ने कहा कि हम आप तो साधन मात्र हैं, काम तो संत सिंहाजी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री संत सिंहाजी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अभी शुरुआत हुई है। जल्द ही सिंहाजी भवतों के लिए 0 पॉइंट से मंदिर परिसर तक पहुंचने के 10 करोड़ 32 लाख की लागत से अतिरिक्त गोला मार्ग बनाया जाएगा। बीट से सिंहाजी तक 7 किलोमीटर का मार्ग 7 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। आगे भी यहां और विकास काम होंगे। हमारे क्षेत्र के संत सिंहाजी महाराज जो 500 वर्ष से भी ऊपर अखंड दीप प्रज्वलित चल रहा है और क्षेत्र नहीं प्रांतों में और देश में सिंहाजी महाराज की ख्याति और सिंहाजी महाराज की जो हमारे श्रद्धालुओं की आस्था है, इस आस्था के यहाँ पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा एमपी टूरिज्म की ओर से एक बड़ी राशि 1 करोड़ की दी गई है, जिसमें यहाँ पे हमारे श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए उनको रुकने के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। अभी अप्रोच रोड के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 10 करोड़ 32 लाख रुपए दूसरा आने और जाने का रोड बने, उसके लिए बजट में शामिल कर लिया गया है। उसकी प्रक्रिया भी चालू है, टेंडर प्रक्रिया होने के बाद वो भी जल्द से जल्द यहाँ का काम होगा और सिंहाजी की कृपा से ही सब कुछ यहाँ देखने को हमको मिल रहा है। सिंहाजी के आशीर्वाद से ही इस क्षेत्र का विकास, स्थान का विकास और सिंहाजी की कृपा से ही देश में कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए हमारा क्षेत्र सकुशल है और शांति प्रिय है और सब लोग सक्षम भी है, सुखी भी है और स्वस्थ भी है। खंडवा से रामपवन नायक की ये रिपोर्ट।